प्रयोजन मूलक हिंदी अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी, उसकी प्रवृत्तियां और व्यवहार क्षेत्र। तो इस टॉपिक का अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहले प्रस्तावना, फिर प्रयोजन मूलक। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। इसके बाद देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात फंक्शनल हिंदी का क्या तात्पर्य है, फिर प्रयुक्ति अथवा रजिस्टर क्या होता है, प्रयुक्ति का आधार क्या होता है, प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, भाषा प्रयुक्तियों के प्रकार और निष्कर्ष। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का यह जो मेरा व्याख्यान है यह दो भागों में रहेगा, इसके दो एपिसोड रहेंगे। तो यह पहला एपिसोड है प्रयोजन मूलक हिंदी का भाग ए। तो आज हम इस अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्तियां कौन कौन सी हैं जिसे रजिस्टर कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी भी कहा जाता है अथवा अप्लाइड हिंदी भी कहा जाता है, और प्रयुक्ति को कहा जाता है रजिस्टर अंग्रेजी में। तो आइए पहले देखते हैं क्या है प्रयोजन मूलक। प्रयोजन मूलक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोजन धन मूलक। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य तथा मूलक का अर्थ होता है निर्भर या आधारित। इस प्रकार प्रयोजन मूलक भाषा का आशय हुआ किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रयुक्त की गई भाषा। तो प्रयोजन मूलक भाषा से क्या तात्पर्य है, किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर अथवा किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी निश्चित प्रयोजन के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है प्रयोजन मूलक भाषा। प्रयोजन मतलब विशेष उद्देश्य। अब प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या तात्पर्य होगा, तो बहुत सारे विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी को अपने अपनी अपनी तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऐसे ही एक विद्वान है डॉक्टर दंगल झाल्टे, तो इन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा है प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी का वह प्रयुक्ति परक विशिष्ट रूप जो विषयगत भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेक विध क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। तो डॉक्टर दंगल झाटे का कहना है कि प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी का वह रूप है, हिंदी भाषा का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जब वह विषय के आधार पर अथवा विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करने के लिए जब कोई व्यक्ति विभिन्न प्रकार की हिंदी के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करता है अथवा विभिन्न संदर्भों में हिंदी का अलग प्रकार से प्रयोग करता है और अलग अलग प्रकार से प्रयोग करने के कारण उसको उसकी विशेष भाषिक संरचना का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात जो सरकारी प्रशासन प्रशासन में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, विज्ञान तथा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी भाषा के विशेष रूप का प्रयोग किया जाता है, इसे ही कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी। जैसे प्रशासन में हिंदी के अलग रूप का प्रयोग किया जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी के अलग रूप का प्रयोग किया जाता है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, समाजशास्त्र इत्यादि में हिंदी के अलग रूप का प्रयोग किया जाता है, व्यापार अथवा वाणिज्य में हिंदी के अलग रूप का प्रयोग किया जाता है, इसे ही कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में उनकी शब्दावली भी अलग अलग होती है, इसीलिए जब हिंदी भाषा का प्रयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, अलग अलग उद्देश्यों से करते हैं, तब उसमें हम विशिष्ट अथवा विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं और इसे ही कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य है किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा। यूं तो भाषा का उद्देश्य सदैव ही भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होता है, चाहे वह अभिव्यक्ति मौखिक हो अथवा लिखित, परंतु प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ही प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। वास्तव में हम भाषा का प्रयोग करते हैं संप्रेषण करने के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, और इस अभिव्यक्ति को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप में। भाषा के माध्यम से या तो हम लिखित रूप में अपनी अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं अथवा मौखिक रूप में भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है प्रयोजन मूलक भाषा। अब प्रश्न यह है कि वे प्रयोजन कौन से हैं, वे उद्देश्य कौन से हैं जिसके कारण भाषा का रूप बदल जाता है। इसका उत्तर है जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से संबंधित प्रयोजन। दैनंदिन जीवन में हमारी विभिन्न भूमिकाएं होती हैं और ये भूमिकाएं हमारे भाषा व्यवहार को भी नियमित करती हैं।
उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों अथवा मित्रों के बीच हम जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वैसी भाषा का इस्तेमाल अपने व्यावसायिक सहयोगियों के साथ नहीं करते। यह अंतर कई तरह का होता है, मतलब हमारी जीवन के विभिन्न क्षेत्र में हमारी भूमिकाएं अलग अलग होती है। तो जब हमारी भूमिकाएं अलग अलग होती है तब हम एक ही भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि जिस भाषा का प्रयोग हम अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ अथवा मित्रों के साथ करते हैं उसी भाषा का प्रयोग हम अपने कार्य क्षेत्र में नहीं कर सकते अथवा अपने व्यवसाय के स्थान में हम उसी अनौपचारिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब जब हम अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, जीवन के विविध क्षेत्रों में जाते हैं और औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तब उस औपचारिक क्षेत्र के की जो शब्दावली है उसको हमको शामिल करना पड़ता है, बोलने का लहजा भी बदल जाता है। सर्वप्रथम तो यह भाषिक औपचारिकता का अंतर होता है, अर्थात परिवार के सदस्यों अथवा मित्रों से बातचीत अथवा पत्र व्यवहार में हम कई तरह की भाषिक छूट ले लेते हैं, उनके साथ हमारा भाषा व्यवहार काफी अनौपचारिक होता है, लेकिन अपने कार्यालय अथवा व्यवसाय के सहयोगियों के साथ हमारा भाषा व्यवहार औपचारिक होता है। उनके साथ हम तू तुम जैसे संबोधन का इस्तेमाल नहीं करते, अनावश्यक हंसी मजाक नहीं करते। मतलब जब हम अपने घर परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ बात करते हैं अथवा उन्हें कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तब हमारी भाषा अनौपचारिक होती है। लेकिन जब हम अपने कार्यालय में पहुंच जाते हैं, जब व्यवसाय से संबंधित हम पत्र व्यवहार करते हैं अथवा वार्तालाप करते हैं, तब उनसे हम तू तुम करके बात नहीं करते और न ही हम हंसी मजाक करते हैं, तो उस समय हमारी जो भाषा होती है वह औपचारिक भाषा होती है। तो पहली औपचारिक अनौपचारिक वाला पहला मामला हो गया, जिसके कारण भाषा के अलग अलग प्रयोजन से अलग अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं औपचारिकता के कारण। इसके अलावा एक और भी अंतर है, अपने रोजगार संबंधी कार्यों के दौरान हम जिस शब्दावली अथवा वाक्यांशों का व्यवहार करते हैं उसका व्यवहार रोजमर्रा की जिंदगी के अन्य कार्यों में नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जिस भाषा का, जिस शब्दावली का, जिन वाक्यांशों का हम प्रयोग अपने कार्यालय में अथवा अपने व्यवसाय के स्थान में करते हैं उसी शब्दावली का उन्हीं वाक्यांशों का और का प्रयोग हम अपने घर परिवार के बीच नहीं करते। अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में उन शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग हम नहीं करते जिसका प्रयोग हम कार्यालय में अथवा अपने कार्य क्षेत्र में अथवा व्यवसाय के स्थान पर करते हैं। इतना ही नहीं, हम कहीं आवेदन फॉर्म भरते हैं, बैंक में अपने खाते का संचालन करते हैं, अस्पताल में दवा लेने जाते हैं, तो वहां जो फॉर्म हमें भरने होते हैं या जो पर्चियां हमें डॉक्टर द्वारा या अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा मिलती है उनकी भाषा में भी सामान्य व्यवहार की भाषा से भिन्नता दिखाई देती है। जैसे आप हॉस्पिटल में किसी को आपको एडमिट करना है या फिर आपको मरीज के बारे में पूरी जानकारी देनी है अथवा बैंक में अकाउंट खोलना है, तो आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसकी भाषा पूरी तरह से औपचारिक होती है। यह भिन्नता औपचारिकता के अलावा शब्दावली और वाक्यांशों की भी होती है, मतलब प्रत्येक विभाग का, प्रत्येक व्यवसाय का उनकी अपनी शब्दावली होती है, उनके अपने वाक्यांश होते हैं। किसी एक ही कार्यालय या संस्था विशेष से जुड़े हुए लोग सभी लोग उसी तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो उनके कार्य विशेष से जुड़ी होती है, और उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र के लोगों से संपर्क की भाषा का अनिवार्य अंग होती है। अपने कार्यालय या संस्था विशेष से बाहर भी अपने व्यवसाय से संबंधित लोगों से संपर्क में वे उसी भाषा का व्यवहार करते हैं। मतलब जैसे आप स्कूल या कॉलेजेस में जाएंगे तो उनकी एक अपनी शब्दावली होती है, वहां के अधिकारियों से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे तो उनकी एक अपनी शब्दावली रहेगी। आप बैंक में जाएंगे तो उनकी अपनी शब्दावली रहेगी, उनके अपने वाक्यांश रहेंगे। आप किसी कार्यालय में जाएंगे, शासकीय कार्यालय में, तो उनकी अपनी शब्दावली हो, अपनी भाषा, अपना वाक्यांश होता है, भाषा का एक विशेष रूप होता है। और अपने व्यवसाय अथवा अपना कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ वे उसी प्रकार की शब्दावली और उसी प्रकार के वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जितने भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं और ऑफिस स्टाफ हैं, उसी प्रकार की भाषा में बात करेंगे जो कि बीमारियों से अथवा मरीज को भर्ती करने, डिस्चार्ज करने, इन सबसे संबंधित रहेगा। तो यह उनके कार्य क्षेत्र के प्रयोजनों की भाषा कहलाती है। मतलब प्रत्येक कार्य क्षेत्र में विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, और इसीलिए क्या कहा जाता है, यह उनके प्रयोजन की भाषा है। इसे व्यवहारिक भाषा, फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है, मतलब व्यवहार की भाषा जिसे हम अलग अलग क्षेत्र में व्यवहार में लाते हैं, अलग अलग व्यवसायों में, अलग अलग कार्यालयों में जिस भाषा को हम व्यवहार में लाते हैं उसे कहा जाता है व्यवहारिक भाषा, फंक्शनल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अतः हम चाहे प्रयोजन मूलक हिंदी कहें अथवा व्यवहारिक हिंदी,
दोनों का मायने एक ही होता है। तो यदि हम चाहे बोलते हैं कि यह प्रयोजन मूलक हिंदी है अथवा व्यावहारिक हिंदी है, दोनों का अर्थ ही एक होता है। बहरहाल प्रयोजन मूलक हिंदी को ज्यादा मान्यता प्राप्त है और विश्वविद्यालयों के जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में प्रयोजन मूलक हिंदी पर हमको निबंध लिखना होता है, उत्तर लिखना होता है। प्रयोजन मूलक भाषा, अब आप समझ गए होंगे कि प्रयोजन मूलक भाषा का इस्तेमाल किन्हीं विशेष प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा अलग अलग होती है। मतलब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग प्रयोजन से, अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग कार्य क्षेत्र में, कार्यालयों में हम जिन भाषा का प्रयोग करते हैं, सामाजिक विज्ञान में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बैंकिंग में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, चिकित्सा में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी भाषाएं एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। जैसे व्यापार के प्रयोजनों की भाषा विज्ञान के प्रयोजनों से भिन्न होती है। व्यापार वाणिज्य बैंकिंग में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह साइंस और टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी अथवा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से भिन्न होती है। यह भिन्नता जिस रूप में प्रकट और मान्य होती है उसका आधार होता है प्रयुक्ति। मतलब प्रयुक्ति क्या होता है? प्रयुक्ति होता है जो विभिन्न प्रकार की शब्दावली हम प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के वाक्यांश प्रयोग करते हैं, इन्हें बोला जाता है प्रयुक्ति। तो किसी भाषा का हम किस प्रयोजन से प्रयोग कर रहे हैं या किस पर निर्भर करता है, उसकी प्रयुक्ति के आधार पर। वास्तव में प्रयुक्ति ही भाषा को प्रयोजन मूलक स्वरूप प्रदान करता है। आगे मैं प्रयुक्ति को डिफाइन करूंगा, परिभाषित करूंगा। प्रयुक्ति ही भाषा को प्रयोजन मूलक स्वरूप प्रदान करती है। प्रयुक्ति में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जैसे कि शब्दावली है और श्रोता और वक्ता का संबंध है, कार्य क्षेत्र है, बहुत सारी चीजों से मिलकर प्रयुक्ति बनती है। प्रयुक्ति मतलब टेक्निक या स्टाइल कर सकते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के अनुरूप भाषा में होने वाली विभिन्न प्रयुक्तियां भाषा के विभिन्न सामाजिक पक्षों को उद्घाटित करती हैं। इस तरह प्रयुक्ति की संकल्पना प्रयोजन मूलक भाषा के विभिन्न छवियों को समझने का आधार बन सकती है। अब किसी भी भाषा को आप जब प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं तब कैसे समझेंगे कि इस किस प्रयोजन के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? या प्रशासन के लिए या इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अथवा चिकित्सा के लिए किया जा रहा है, अथवा समाज विज्ञान के लिए किया जा रहा है, अथवा बैंक व्यापार व्यवसाय वाणिज्य के लिए किया जा रहा है। तो किस प्रयोजन के लिए किसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है यह किस पर निर्भर करता है? प्रयुक्ति पर निर्भर करता है। अब प्रयुक्ति क्या है आगे हम देखते हैं। प्रयुक्ति क्या होता है? प्रयुक्ति शब्द यह परीक्षा में प्राय आता है। प्रयुक्ति क्या है? सॉरी, प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त में ई प्रत्यय लगाकर बना होता है। प्रयुक्त शब्द में जब ई प्रत्यय लगा देते हैं तो प्रयुक्ति बन जाता है। प्रयुक्त का अर्थ है प्रयोग में लाया हुआ। भाषा का जो रूप किसी विषय अथवा कार्य क्षेत्र में बार बार या लगातार प्रयुक्त होता है वह उस कार्य क्षेत्र की भाषा की विशिष्टता बन जाता है, भाषिक विशिष्टता बन जाता है। इस भाषिक विशिष्टता को उस विषय अथवा कार्य क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। मतलब जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जिस शब्दावली जिन वाक्यांशों का हम बार बार प्रयोग करते हैं, भाषा के जिस रूप का हम बार बार प्रयोग करते हैं, तो वह चिकित्सा क्षेत्र की भाषिक विशिष्टता बन जाती है। और इस भाषिक विशिष्टता को क्या कहा जाता है? चिकित्सा क्षेत्र की प्रयुक्ति है या प्रशासन की प्रयुक्ति है, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब प्रयुक्ति मतलब क्या होता है? जो शब्दावली है, जो वाक्यांश है, जो बोलने का लहजा है किसी विशेष कार्य क्षेत्र में, इसे कहा जाता है प्रयुक्ति। प्रयुक्ति वस्तुतः अंग्रेजी शब्द रजिस्टर का हिंदी पर्याय है। रजिस्टर का हिंदी अर्थ होता है प्रयुक्ति। सामाजिक जीवन व्यवहार में हर क्षेत्र की भाषा की अपनी विशिष्टताओं को देखते हुए भाषाविदों ने रजिस्टर यानी प्रयुक्ति की संकल्पना निर्धारित की है। हमारे सामाजिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में हम विभिन्न प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार के वाक्यांशों और शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमारे जो भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रयुक्ति की संकल्पना की है। सामाजिक स्तर भेद के कारण भाषा में जो अंतर आता है वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है। सामाजिक स्तर भेद मतलब विभिन्न प्रकार के समाजों में, जैसा व्यापार है, वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक स्तर भेद हैं या ज्ञान के जो विविध क्षेत्र हैं उनके कारण जो भाषा में अंतर आता है वही प्रयुक्ति का रूप निर्धारण करता है। जैसे कि व्यापारियों की भाषा और कचहरी की भाषा का अपना अपना मुहावरा और शब्दावली होती है। भाषा प्रयोग की यही विविधता प्रयुक्ति का रूप निर्धारित करती है। प्रयुक्ति का निर्धारण कैसे होता है? जैसे व्यापार व्यवसाय या वाणिज्य में व्यापारियों की जो भाषा होती है वो भाषा,
और जो कोर्ट कचहरी की जो भाषा होती है, दोनों ही भाषाएं अलग अलग होती है। व्यापार में, बैंक में, वाणिज्य में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह कोर्ट कचहरी की भाषा से पूरी तरह से भिन्न होती है और यही विविधता प्रयुक्ति का रूप निर्धारित करती है। तो कहने का मतलब है प्रयुक्ति क्या होता है? प्रयुक्ति एक विशेष क्षेत्र में की जाने वाली, प्रयोग की जाने वाली भाषा की शैली, उसकी शब्दावली, उसके वाक्यांश, उसके बोलने का लहजा, इन सबको मिलकर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। अब विषय, किस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और वक्ता और श्रोता की भूमिका क्या है, इस संबंधी विभिन्न तरह के प्रयोगों के कारण किसी भाषा में कई भेद मिलने शुरू हो जाते हैं। इन अनेक भेदों को ही भाषा चिंतक प्रयुक्ति नाम देते हैं। मतलब प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व तो ये भी है कि किस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और वक्ता अथवा श्रोता की भूमिका क्या है। तो इस तरह के विभिन्न प्रयोग जो हैं भाषा के प्रयुक्ति को निर्धारित करते हैं। तो आप समझ सकते हैं जैसे हमारा प्रयोजन क्या है, प्रयोजन मूलक भाषा प्रशासन है, प्रशासन के संदर्भ में हम हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो वह तो प्रयोजन क्या हो गया, प्रशासन हो गया, प्रयोजन मूलक हिंदी हो गई, प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग। और प्रयुक्ति क्या होगी, जो शब्दावली है, जो लिखने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, जो वाक्यांश है, जो लहजा है, ये प्रयुक्ति होती है। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया के अनुसार विषय और प्रयोग के अनुकूल भाषा रूपों को ही प्रयुक्ति या रजिस्टर की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया हिंदी के जाने माने विद्वान है। इनका कहना है कि विषय और प्रयोग के अनुकूल भाषा रूपों को ही प्रयुक्ति की संज्ञा दी गई है। किस विषय में और किस प्रकार हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, विषय के अनुरूप कामकाजी भाषा के जितने विविध क्षेत्र होंगे प्रयुक्ति के भी उतने ही विविध रूप होंगे। जैसे कामकाजी भाषा के अनेक रूप हैं, जैसे पर्यटन की भाषा हो गई और मीडिया की भाषा हो गई, पत्रकारिता की भाषा हो गई, विज्ञान की भाषा हो गई। मतलब हमारे कामकाज में जितने भी क्षेत्र होंगे भाषा के प्रयोग के, प्रयुक्ति के भी उतने ही प्रकार होंगे। विषयगत तथा प्रयोगगत विविधता ही प्रयुक्ति कराती है। विषय के आधार पर शब्दावली बदल जाती है, प्रयोग के आधार पर शब्दावली बदल जाती है, यही प्रयुक्ति कराती है। प्रयुक्ति का मुख्य आधार किसी कार्य क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली है। मतलब प्रयुक्ति का मुख्य आधार क्या है, प्रयुक्ति का निर्धारण करने वाला जो प्रमुख तत्व है वह होता है शब्दावली। क्योंकि ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे व्यवसाय वाणिज्य अथवा कार्य क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है। प्रशासन है, न्यायालय है, विधि है, कोर्ट कचहरी है, मीडिया है, जनसंचार है, शिक्षा है, तकनीकी है, विज्ञान है, सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं और इससे ही प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। इस तरह विविध स्थितियों और विषय क्षेत्र में भाषा व्यवहार की एक निश्चित पद्धति बन जाती है जो क्षेत्र विशेष से जुड़े समाज द्वारा सामान्य रूप में स्वीकृत होती है। प्रयोजन मूलक भाषा के विविध रूप इन प्रयुक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। मतलब अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग विषय क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की भाषा व्यवहार की एक पद्धति बन जाती है, अलग प्रकार की शब्दावली बन जाती है और उस विशेष समाज या समुदाय जिसमें वह भाषा अथवा वह शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है वह उनके द्वारा स्वीकृत होती है, सर्वमान्य होती है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में प्रयोजन मूलक हिंदी के जो विविध रूप हैं, प्रशासन की भाषा, न्यायालय की भाषा, पत्रकारिता की भाषा और सूचना साइंस विज्ञान, विज्ञान की भाषा, तकनीकी की भाषा, इन सभी प्रयोजन मूलक भाषा के जो विविध रूप हैं यह प्रयुक्तियों के द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रयुक्तियां निर्धारित करती है किस ज्ञान के किस क्षेत्र में किस प्रकार की भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। सामाजिक स्तर, पेशा, आय आदि के भेद के कारण भी भाषा का अंतर यद्यपि काफी छोटे या सीमित स्तर पर भी देखा जाता है, जैसे बच्चों की भाषा या स्त्रियों की भाषा या पुरुषों की भाषा, नौकरी पेशा लोगों की भाषा, श्रमिकों की भाषा, अध्यापकों की भाषा आदि। लेकिन यह भेद प्रयुक्ति का आधार नहीं हो सकता क्योंकि प्रयुक्ति का संबंध एक स्तर पर व्यवसाय या आजीविका विशेष से भी होता है। अब आप ये नहीं कह सकते बच्चों की भाषा एक प्रयुक्ति है, स्त्रियों की भाषा दूसरी प्रयुक्ति है, पुरुषों की भाषा दूसरी प्रयुक्ति है ना, श्रमिक लोगों की जो भाषा है वह भी प्रयुक्ति बन गई, ऐसा नहीं होता। प्रयुक्ति का आधार क्या होता है, किसी व्यवसाय के स्थल पर, कार्य के स्थल पर विशेष उद्देश्य से, विशेष व्यवसाय आजीविका के संबंध में जब हम विशेष प्रकार के शब्दावली और वाक्यांश का प्रयोग करते हैं तब उसे प्रयुक्ति कहा जाता है।
मतलब हर व्यक्ति की एक टाइप या छोटे छोटे बच्चे जो बात करें बोलेंगे उनकी प्रयुक्ति नहीं कही जाएगी। किसी कार्य क्षेत्र विशेष से संबंधित सभी लोगों की भाषा में पाई जाने वाली समानता के आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होता है। किसी कार्य क्षेत्र मतलब जैसे किसी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो उससे जुड़े हुए सभी लोगों की एक प्रकार की भाषा और शब्दावली होगी और इसी के आधार पर प्रयुक्ति का निर्धारण होगा। उदाहरण के लिए जैसे आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं, उदाहरण के लिए विधिक प्रक्रिया से जुड़े सभी लोग न्यायाधीश, वकील, पेशकार, मुवक्किल, विधिवेत्ता, विधि शिक्षक, विधि छात्र आदि विभिन्न स्तरों की विधि का भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब न्यायालय अथवा कोर्ट कचहरी में जितने भी व्यक्ति मिलेंगे उससे संबंधित वो कोर्ट कचहरी अर्थात न्यायालय की भाषा का ही प्रयोग करेंगे। विधि की शब्दावली विशिष्ट होती है, उसके वाक्यांश अलग होते हैं, खास होते हैं, वाक्य प्रयोग का ढंग आदि अलग विशेष होता है और इन सब को मिलाकर विधिक प्रयुक्ति निर्मित होती है। मतलब विधिक भाषा की जो प्रयुक्ति जो का निर्धारण किससे होता है, विशिष्ट शब्दावली, वाक्यांश, वाक्य का प्रयोग और प्रयोग का ढंग। प्रयुक्ति का आधार क्या होता है? अभी हमने देखा कि शब्दावली के आधार पर खाली प्रयुक्ति का निर्धारण नहीं होता, प्रयुक्ति किन आधारों पर निर्मित होती है? प्रयोग की विशेषताओं के आधार पर किसी भाषा के अंतर्गत प्रयुक्तियां अथवा रजिस्टर बन जाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या एक प्रयुक्ति दूसरी प्रयुक्ति से सर्वथा भिन्न होती है तथा इन प्रयुक्तियों को किस आधार पर निश्चित तथा निर्धारित किया जाता है। मतलब जब हम विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की भाषा और शब्दावली का प्रयोग करते हैं, विशेष प्रकार के वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, तब उस भाषा के अंतर्गत प्रयुक्तियां अथवा रजिस्टर बन जाते हैं। अब हमको यह देखना है कि क्या एक प्रकार की प्रयुक्ति दूसरे प्रकार की प्रयुक्ति से किस प्रकार भिन्न होती है और इन प्रयुक्तियों का निर्धारण किस प्रकार होता है, कि एक विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की प्रयुक्तियों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। प्रयुक्ति चूंकि भाषा के भीतर एक विशिष्ट भाषा रूप होता है अतः भाषा की व्यापक विशेषताएं तो उसमें होती ही है। जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी तो हमारी भाषा है लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी भाषा के अंदर भाषा का विशेष रूप है। जैसे प्रशासन के क्षेत्र में जो हिंदी है वह हिंदी के अंदर हिंदी का एक विशेष रूप है, प्रशासनिक हिंदी। तो हिंदी की विशेषताएं तो उसमें होंगी, यानी विभिन्न प्रयुक्तियों की शब्दावली मिलकर उस भाषा की शब्दावली बनती है तथा भाषा की संरचना और उसका सामान्य मुहावरा प्रयुक्तियों में मौजूद रहता है। तो हिंदी भाषा में जो चलने वाले सामान्य मुहावरे हैं, हिंदी भाषा में जो चलने वाले प्रचलित वाक्यांश हैं, वह प्रशासन की भाषा में भी विद्यमान तो जरूर रहेंगे। इसलिए एक प्रयुक्ति का दूसरी प्रयुक्ति में अंतः प्रवेश बराबर होता रहता है। इसीलिए ऐसा नहीं कि एक भाषा एक प्रकार की जो प्रयुक्ति है, हिंदी के एक प्रकार की जो प्रयुक्ति है वो दूसरे क्षेत्र में वह शामिल नहीं होगी। कुछ हद तक एक जैसे प्रशासन के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में, तो दूसरे प्रकार की जो प्रयुक्ति हैं उनके भी कुछ उनकी भी कुछ शब्दावली, उनके भी कुछ वाक्यांश यहाँ पर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, साहित्यिक लेखन में अगर हम कोई साहित्य कुछ लिख रहे हैं तो विज्ञान, दर्शन अथवा गणित की शब्दावली का समावेश आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद शब्दावली प्रयुक्ति का मुख्य आधार होती है। जैसे हम कोई साहित्य की रचना कर रहे हैं, अब साहित्य में सभी प्रकार के शब्द मिल जाएंगे, विज्ञान के क्षेत्र के, दर्शन के क्षेत्र के, गणित की शब्दावली सभी मिल जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी शब्दावली जो है प्रयुक्ति के निर्माण का मुख्य आधार होती है। प्रयुक्ति के निर्धारण में शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह भूमिका दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, क्षेत्र विशेष की विशिष्ट शब्दावली होती है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि विज्ञान के शब्द हैं। तो यह क्या है, जो विज्ञान की जो प्रयुक्ति होगी वह किस प्रकार की होगी, विशिष्ट शब्दावली विज्ञान की, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। दूसरा, शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब विभिन्न भाषाओं में जो प्रयुक्ति के कुछ भाग तो वहां पर दिखाई देंगे अलग अलग क्षेत्र में। जैसे पद है, पद जैसे पद शब्द कविता में छंद विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, पद मतलब किस पद में दिए गए, किस प्रकार पद उन्होंने लिखा है, दोहा है कि रमैनी है कि चौपाई है, तो पद शब्द कविता में छंद विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। आम बोलचाल में इसका अर्थ पैर होता है और व्याकरण में इसका अर्थ अभिव्यक्ति से संबंधित है, है ना, शब्द का जो प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पद, और प्रशासनिक क्षेत्र में इसका अर्थ ओहदे से है। तो यह जो शब्द पद है विभिन्न प्रकार की प्रयुक्तियों में इसका प्रयोग तो हो रहा है लेकिन सब जगह इसका अर्थ अलग अलग है। अब प्रयुक्ति के निर्धारक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, एक तो हमने देख लिया शब्दावली, शब्दावली के आधार पर हम पहचान पाते हैं कि यह किस प्रकार की प्रयुक्ति है, प्रशासनिक है कि विधिक है कि बैंक या वाणिज्य से संबंधित है। शब्दावली के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण आधार होते हैं,
जिनसे प्रयुक्ति को पहचाना या निर्धारित किया जा सकता है। शब्दावली तो एक बहुत मुख्य मुद्दा है ही, शब्दावली तो प्रयुक्ति का प्रमुख आधार होता है, लेकिन शब्दावली के अतिरिक्त और कौन सी चीजें होती हैं जो प्रयुक्ति को निर्धारित करती हैं, रजिस्टर को निर्धारित करती हैं? तो ये कौन से विषय क्षेत्र है? पहला, भाषा का प्रयोग जिस विषय क्षेत्र में किया जाए वह विषय या संदर्भ विशेष भाषा के स्वरूप को निर्धारित करता है। उस क्षेत्र विशेष की शब्दावली और वाक्य संरचना अपने ढंग की होती है, जो अपने क्षेत्र विशेष में काफी सार्थक और परिपाटीबद्ध होती है। जैसे कचहरी या न्यायालय की भाषा को ही ले, कचहरियों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में अधिकतर उर्दू शब्दों की बहुलता होती है और वाक्य विन्यास भी अपने ढंग का होता है। भाषा औपचारिक होने के साथ ही अर्थ की एक निश्चितता होती है। मतलब प्रयुक्ति का जो दूसरा निर्धारक तत्व है वह होता है विषय क्षेत्र, कि किस विषय क्षेत्र में हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कोर्ट कचहरी की जो भाषा है उसकी प्रयुक्ति अलग होती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी की भाषा में हम प्राय उर्दू अर्थात अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हैं और कोर्ट कचहरी की भाषा का एक विशिष्ट वाक्य विन्यास होता है। यह भाषा औपचारिक होती है और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित और अद्वितीय अर्थ होता है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखते हैं। बनाम शब्द सुनते ही हमें दो ऐसे पक्षों का ध्यान आ जाएगा जिनके बीच कोई मुकदमा चल रहा हो, लेकिन बनाम के स्थान पर कोई अन्य शब्द नहीं रखा जा सकता। जैसे भारत सरकार बनाम प्रेम सिंह, मतलब भारत सरकार और प्रेम सिंह के बीच कोई मुकदमा चल रहा है, अर्थात बनाम के स्थान पर कोई दूसरा शब्द हम नहीं रख सकते। बनाम मतलब विरुद्ध, अर्थात प्रेम सिंह बनाम केसरी सिंह। शब्दों से विवादाधीन मामले की जो ध्वनि निकलती है वह राम सिंह और केसरी सिंह कहने के बीच में नहीं निकलता। मतलब प्रेम सिंह बनाम केसरी सिंह, मतलब दोनों के बीच में कोई मुद्दा है, कोई विवाद है। तो यदि हम बोलते हैं कि राम सिंह और केसरी सिंह के बीच लिख देते हैं, राम सिंह और केसरी सिंह के बीच, तो इससे वह अर्थ नहीं निकलता जो बनाम से निकलता है। इसी भांति न्यायालय में जब वादी या प्रतिवादी पक्ष को प्रस्तुत होने के लिए आदेश दिया जाता है तो कहा जाता है हाजिर हो, है ना, जैसे श्री राम कुमार हाजिर हो। लेकिन कोई सार्वजनिक सभा चल रही हो तब मंच पर किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो हाजिर होना कर कहा जाएगा मंच पर आए या आने का कष्ट करें। तो ये भाषा की प्रवृत्ति आप समझ सकते हैं। कोर्ट कचहरी में ऐसे बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति हाजिर हो, लेकिन जब मंच पर आप किसी व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं तब क्या बोलेंगे, कृपया आप मंच पर आए या कृपया आने का कष्ट करें। तो यह भाषा की प्रवृत्ति है, भाषा का स्टाइल है। दूसरा, संप्रेषण का तरीका। अभी हमने पहले देखा कि शब्दावली के बाद आता है विषय क्षेत्र भी प्रवृत्ति का आधार बनता है। अब संप्रेषण का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका, संप्रेषण का तरीका भी प्रयुक्ति का स्वरूप निर्धारित करने का महत्वपूर्ण घटक होता है। मौखिक और लिखित संप्रेषण के अनुसार हमारी शब्दावली, लहजे, वाक्य विन्यास आदि में बड़ा परिवर्तन आता है। लिखित रूप में औपचारिकता और सतर्कता दोनों ही बढ़ जाती है। अब संप्रेषण के हमारे पास प्राय दो तरीके होते हैं, लिखित संप्रेषण या मौखिक संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, कुछ कहना, अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करना। तो दो प्रकार से हम मुख्य रूप से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से। तो मौखिक रूप से जब हम कोई बात करते हैं तो ज्यादा औपचारिकता का निर्वाह नहीं करते, हमारी शब्दावली, हमारे बोलने का तरीका, हमारा वाक्य विन्यास सब लिखित भाषा से अलग होता है, क्योंकि लिखित भाषा में हम बहुत ज्यादा औपचारिक होते हैं, सतर्क होते हैं। तो लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों के संप्रेषण में अंतर हो जाता है। तो इससे क्या है, उसका प्रयुक्ति भी बदल जाता है। अब तीसरा है वक्ता और श्रोता अथवा लेखक और पाठक की स्थिति। संप्रेषण लिखित हो अथवा मौखिक, इस बात का बहुत असर पड़ता है कि कौन किससे किस समय बात कर रहा है। जैसे आयुर्विज्ञान संस्थान का एक डॉक्टर मरीज की नाजुक हालत और उसके उपचार के संबंध में अपने सहयोगियों से राय मशविरा कर रहा हो तब, और अपने अनुसंधान पर लेख को विद्वान मंडली में पढ़ रहा हो तब, उसकी भाषा के वाक्य विन्यास, लहजे आदि में काफी अंतर होता है। मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, एम्स का डॉक्टर, अब मरीज की हालत नाजुक है, उस बारे में वह अन्य लोगों से सलाह मशविरा कर रहा है, अन्य डॉक्टर से बात कर रहा है कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है, उस समय उसको बात करने का जो तरीका होगा, जो लहजा होगा, वह अलग होगा। और जब वो अपना रिसर्च पेपर पढ़ रहा होगा, विद्वानों के बीच में कोई शोध पत्र पढ़ रहा होगा, तब उस डॉक्टर का बोलने का वाक्य विन्यास और लहजा, स्टाइल, शैली, भाषा शैली, वाक्य विन्यास सब अलग होगा। और इसी प्रकार वही डॉक्टर जब उस बात को आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्रों को समझा रहा होगा तो फिर एक खास तरह का अंतर दिखाई देगा। पहला तो हो गया वह अपने सहयोगियों से बात कर रहे हैं, डॉक्टरों से, कि मरीज की हालत नाजुक है। दूसरे में वह कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहा है उसी मामले में। और तीसरा यह है
वो अपने छात्रों को पढ़ा रहा है, वही डॉक्टर अपने छात्रों को जो पढ़ा रहा है, तो इन तीनों ही रूपों में उसकी जो भाषा शैली होगी, जो बोलने का लहजा होगा, जो वाक्य विन्यास होगा वह अलग होगा, इसके कारण भी प्रयुक्ति में भिन्नता आ जाती है। और चौथा है भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति, मतलब भाषा का प्रयोग औपचारिक रूप से किया जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से किया जा रहा है। किसी कार्यालय में अथवा कार्यस्थल में अथवा व्यवसाय वाणिज्य व्यापार के दौरान हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने घर परिवार के सदस्यों के बीच और मित्रों के बीच हम अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ऊपर जिस डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है, वही डॉक्टर जब अपने मित्रों से चाय की पार्टी में बात कर रहा हो, तब उसका भाषा व्यवहार ऑपरेशन की मेज पर उन्हीं डॉक्टर मित्रों के भाषा व्यवहार से भिन्न होगा। मतलब तीन चार डॉक्टर हैं जो आपस में मित्र हैं, और जब ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो उनकी बात करने का लहजा स्टाइल सब अलग होता है। वही तीन चार डॉक्टर जब चाय पार्टी में मिलते हैं तब उनके बात करने का तरीका अलग होगा, अनौपचारिक होगा, हंसी मजाक होगी। कहने का आशय यह है कि पहली स्थिति में वह अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल करेगा चाय पार्टी में, जबकि दूसरी स्थिति में ऑपरेशन थिएटर में उसकी भाषा पूरी तरह से औपचारिक होगी और वह सचेत होगा। दूसरी स्थिति में उसकी भाषा चिकित्सा विज्ञान के भीतर आएगी, जबकि पहली स्थिति में ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो चाय की पार्टी में जरूरी नहीं कि वह चिकित्सा विज्ञान की भाषा में बात करे, उस शैली में बात करे, लेकिन जब वह ऑपरेशन थिएटर में रहता है तब उसकी भाषा चिकित्सा विज्ञान के भीतर आएगी। उपयुक्त आधारों को हम प्रयुक्ति के निर्धारण में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखने की बात यह है कि जरूरी नहीं कि ये चारों आधार हर प्रयुक्ति के संबंध में बराबर मात्रा में लागू हों। ये आधार वस्तुतः मोटे तौर पर निर्धारित किए गए हैं, और दो प्रयुक्तियों के बीच अंतर में कभी किसी एक या दो आधारों पर बल रहता है तो कभी अन्य आधारों पर। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर जो चार जो आपको विभिन्न प्रकार बताए गए हैं कि प्रयुक्ति के निर्धारण में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चार ही तत्व हैं, इससे अधिक तत्व भी हो सकते हैं, या फिर एक या दो तत्व भी हो सकते हैं जो प्रयुक्ति का निर्धारण करते हैं। कभी कभी दो आधार में भिन्नता पाई जाएगी, है ना, दो प्रयुक्तियों के बीच अंतर का पैमाना क्या होगा, कभी दो आधारों पर बल रहेगा, कभी अन्य आधारों पर बल रहेगा, मतलब विभिन्न आधारों पर प्रयुक्तियां भिन्न होती हैं। अब भाषा प्रयुक्तियों के प्रकार, भाषा प्रयुक्तियों मतलब अलग अलग क्षेत्र में भाषा के जिस रूप का हम प्रयोग करते हैं, है ना, उसके किस प्रकार कितने प्रकार हो सकते हैं। सामान्य रूप से सामान्य या समाज और जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों के आधार पर किसी भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्तियां हो सकती हैं। प्रयुक्तियां मतलब वही है, शब्दावली है और उसकी भाषा शैली है, वाक्य विन्यास है, ये सारी चीजें। तो क्या होगी भाषा प्रयुक्ति के प्रकार कौन कौन से होंगे? सामान्य व्यवहार की प्रयुक्ति, जो सामान्य रूप से हम भाषा का प्रयोग करते हैं औपचारिक भाषा। साहित्यिक प्रयुक्ति, साहित्य में जिस प्रकार की भाषा शैली का हम प्रयोग करते हैं वह प्रयुक्ति। वाणिज्य व्यापार की प्रयुक्ति, वाणिज्य व्यवहार के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली प्रयुक्ति और शब्दावली। बैंकिंग से संबंधित प्रयुक्ति, प्रशासनिक प्रयुक्ति, विधिक प्रयुक्ति, वैज्ञानिक प्रयुक्ति, मीडिया अथवा पत्रकारिता संचार माध्यमों से संबंधित प्रयुक्ति, विज्ञापनी प्रयुक्ति। विज्ञापनी मतलब विज्ञान में प्रयोग लाई जाने वाली प्रयुक्ति। इस तरह प्रयुक्ति को भली भांति समझ लिए होंगे। प्रयुक्ति मतलब रजिस्टर, और यह प्रयुक्ति है यही प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप का निर्धारण करती है। यह हिंदी प्रशासनिक हिंदी है, प्रयुक्ति के आधार पर हम जान पाते हैं कि यह हिंदी प्रशासनिक हिंदी है, कि विज्ञान और तकनीकी से संबंधित है, कि विधि क्षेत्र से संबंधित है, कि यह मीडिया अथवा जनसंचार से संबंधित है। प्रयुक्ति के आधार पर हम प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूपों का निर्धारण करते हैं। तो निष्कर्ष क्या हुआ? इन प्रयुक्तियों के अलावा भी और तरह की प्रयुक्तियां आवश्यकता अनुसार विकसित हो सकती हैं। कुछ प्रयुक्तियां तो हमने देखा, लेकिन जब भाषा का कुछ हमारे समाज में नए नए क्षेत्र विकसित होते हैं तो उसके आधार पर भी हमारी प्रयुक्ति भी विकसित होती है। जैसे जैसे नए क्षेत्र में भाषा का प्रयोग बढ़ता है, वैसे वैसे भाषा में उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्तियां विकसित होती जाती हैं। मतलब जैसे जैसे हमारी भाषा का प्रयोग नए नए क्षेत्रों में हम हिंदी का प्रयोग करेंगे, वैसे वैसे उन क्षेत्रों में भाषा की नई प्रयुक्तियां भी विकसित होंगी उन क्षेत्रों के अनुरूप। इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजन मूलक स्वरूप निर्धारित होता है। प्रयुक्तियों के आधार पर ही हम जान पाते हैं कि यह प्रशासनिक हिंदी है, कि बैंकिंग अथवा वाणिज्य से संबंधित हिंदी है, कि विधिक क्षेत्र से संबंधित हिंदी है। यदि किसी समाज का विकास किन्हीं अन्य क्षेत्र में होगा तो उससे संबंधित भाषा की नई प्रयुक्तियां भी स्वतः विकसित होती जाएंगी। मतलब यदि हमारी भाषा किसी नए क्षेत्र में विकसित होती है, कोई नया क्षेत्र आता है, जैसे अभी 5G है, इसके बाद 6G आने वाला है,
तो सिक्स जी से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी होगी, जो नई भाषा शैली विकसित होगी, उसी के अनुरूप हमारी हिंदी की नई शब्दावली भी विकसित होती चली जाएगी। जैसे कंप्यूटर साइंस का विकास हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी का, तो हमारी एक नई प्रकार की भाषा शैली विकसित हो गई। अभी जैसे कोरोना का संक्रमण हुआ था, तो उस दौरान हमारी विभिन्न प्रकार की नई शब्दावली हमारे समाज में आ गए थे। तो ये सभी चीजें मिलकर प्रयुक्तियों का निर्धारण करते हैं। तो यह प्रयोजनमूलक हिंदी का यह पहला भाग है। अगली भाग में हम देखेंगे कि प्रशासनिक हिंदी क्या है, सूचना उसमें मीडिया में किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, विज्ञापन की भाषा क्या होती है, तो हम उसका व्यवहारिक रूप से हम उसका प्रयोग देखेंगे। और यदि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अंत में यह बताना चाहूंगा कि इस लेक्चर का जो नोट्स है PDF, वो नीचे लिंक में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।